NTA UGC NET and ImageNet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ImageNet पर। दोस्तों आज हम रिसर्च के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है हमारा न्यू ऐड हुआ है और इसमें से दिसंबर 2019 में क्वेश्चन भी आए हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो टॉपिक है दोस्तों ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है, ये आसानी से समझ में नहीं आता और मैंने इस पर रात में काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी लेकिन कहीं पे भी इसमें अच्छे से नहीं बताया गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है और इसके जो पार्ट है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये देखिए जैसे ये दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसका हमें आंसर देना है, क्वेश्चन को किस तरह से हमें समझना ज़रूरी है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में प्रत्यक्षवाद कहते हैं और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसको हम उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसको दो तरह से पुकारा जाता है, एक तो पॉजिटिविस्ट और एक पॉजिटिविज्म, दोनों ही चीज़ एक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म की। इसको समझने से पहले हमें अगस्त कॉमेट के विचारों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त कॉमेट का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उन्होंने यह महसूस किया कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है और ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, उसी प्रकार समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जब आगे पढ़ेंगे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये बात हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉजिटिव पॉलिसी के नाम से लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में क्या पता पूछ ले। और उसके बाद में दोस्तों जो अगस्त कॉमेट है उन्होंने 3 सत्रों का वर्णन किया था, वो हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये दोस्तों बेसिक चीज़ है, ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे समझ में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले धार्मिक स्तर के बारे में बताया था। इस स्तर पर क्या होता है दोस्तों, इस स्तर पर मनुष्य का यह सोचना था कि समस्त चीज़ें अलौकिक शक्ति द्वारा प्रभावित होती है, इन अलौकिक शक्तियों के कारण ही घटनाएं घटित होती है। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो भी कुछ होता था तो उसमें ये सोचते थे कि इसमें किसी न किसी देवी देवता का हाथ है, किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। जिस तरीके से पहले बुखार होती थी तो उसमें ये कहते थे कि इसके अंदर माता आ गई है या कुछ और आ गया है, तो हम अंधविश्वास ज़्यादा होता था उस टाइम। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं धार्मिक स्तर। उसके बाद है दोस्तों तात्विक स्तर। तात्विक स्तर के अनुसार क्या होता है इस अवस्था में,
इस स्थिति में व्यक्ति एक अदृश्य तथा निराकार शक्ति के अस्तित्व को महसूस करता है। जिस तरीके से भगवान की हम बात करें, भगवान को किसी ने नहीं देखा आज तक, और क्या है कि उसके अस्तित्व के होने की हम कल्पना करते कि वो है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तात्विक स्तर कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों तीसरी जो कंडीशन है हमारी, उसके अंदर क्या है, वैज्ञानिक स्तर। वैज्ञानिक स्तर के अंदर क्या होता है, तीसरी अवस्था ज्ञान की वह अवस्था है जिस स्तर पर वैज्ञानिक सोच पर आधारित ज्ञान को महत्व दिया जाता है। यानी कि इस स्तर पर आके क्या करते हैं हम वैज्ञानिक रूप से सोचते हैं, जिस तरीके से वही है ना कि बुखार होगी तो उसके बारे में फिर वैज्ञानिक तरीके से सोचने लग गए कि इतनी ज़्यादा बुखार है इस क्षेत्र में, क्यों फैल रही है, उसका रीज़न क्या है, क्या वायरस आ गए, तो उसे कहते हैं वैज्ञानिक स्तर पे सोचना। और उसके बाद में है दोस्तों हमारे पास इसकी कुछ और महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, ये एक मैं बता देता हूँ पहले ही, ये जो ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, इसमें से 3 बार क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इनके बारे में सबसे पहली ये आती है दोस्तों ओंटोलॉजी, मूल्य मीमांसा। इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इज रियलिटी, यानी कि रियलिटी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है उसे ही हम मानते हैं। जैसे व्हाट एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो है हमारे सामने उसको हम मान लेते हैं और जो नहीं है उसको हम नहीं मानते। तो ये होता है मूल्य मीमांसा। और इसके अंदर ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में ये है और हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हाउ डू यू नो, यानी कि आप किस तरह से जानते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल टर्म एपिस्टेमोलॉजी इज़ द फिलोसफी ऑफ नॉलेज और ऑफ हाउ वी नो टू नो, यानी कि हम किस तरह से जानते हैं, नॉलेज ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछ लिया था कि नॉलेज ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं, तो उसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ हम जानते हैं तो किस तरह से जानते हैं उसके बारे में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं हिंदी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान का दर्शन है, हम कैसे जानते हैं इसके बारे में हम समझते हैं, हमें दुनिया के हमारे मॉडल और दुनिया को जानने के तरीकों से संबंधित ये बात बताता है, ठीक है। ये आप इम्पोर्टेंट, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इस बात पे कि दुनिया को, ये देखिए, दुनिया को जानने के तरीकों से संबंधित है कि दुनिया किस तरह से चलती है, क्या करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक्जियोलॉजी, सत्ता मीमांसा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है, जैसे गुड है, बैड है, तो जैसे फीलिंग की हम बात करें तो वो चीज़ें इसके अंदर आते हैं, जैसे अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक जैसे मूल्यों के बारे में बात की जाती है। जीवन का अर्थ क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए, इनके बारे में ये बात करता है। और उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रत्यक्षवाद, यानी कि पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं। अब हमारी मेन चीज़ आ गई, हमने जो बेसिक चीज़ें वो देख ली। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पहले देखा कि लोग अंधविश्वासी होते थे, उसके बाद में फिर वो थोड़ा और समझने लग गए, उसके बाद में फिर वो वैज्ञानिक तरीके से समझने लग गए। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम संवेदी अनुभव से प्राप्त जानकारी, यानी कि कोई हमने एक्सपीरियंस किए कोई चीज़, उससे जो जानकारी प्राप्त हुई है, कारण और तर्क के माध्यम से, यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम मान के चलते वही बुखार का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे कि किसी क्षेत्र के अंदर मच्छर ज़्यादा है, मच्छर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हर बार बुखार हो जाते, तो हमें एक अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया भी जहाँ पे ज़्यादा मच्छर होते हैं वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है, और उसका कारण भी हमें पता चल गया कि जो मच्छर है ना वो बुखार के होने का कारण है, और हमारे पास तर्क भी है। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम अपने अनुभव का उपयोग करें, अब उसके अंदर कोई लॉजिक लगाए, कारण लगाए, तर्क लगाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म कहते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़, एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं
एक गांव के अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति निकल गई, ठीक है। तो लोगों ने क्या है कि पूजा पाठ करनी शुरू कर दी वहां पे, और बहुत अंधविश्वास वहां पे फैल गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक या कुछ समझदार लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे निकल गई, इसका हमें पूरा जायज़ा लेना है क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि इस जो मिट्टी की ये जो हनुमान की मूर्ति थी उसको खोदा, नीचे से खोदने पे पता चला कि इसके नीचे चने रखे हुए थे, और वो चने क्या थे कि फूलने के कारण ये जो मूर्ति है वो ऊपर की तरफ आने लगी, ये प्रकट होती हुई नजर आई। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लॉजिक लगाया, कारण लगाया, और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें लगा के देखा कि किस वजह से ये ऊपर आई है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि जो फ्रॉड लोग थे उनका काम है वो खराब कर दिया है इन लोगों ने, इन्होंने सच्चाई सामने लेके आई। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक तौर से समझने की कोशिश की, अंधविश्वास में नहीं पड़े, इन्होंने साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश की, तो इसकी सच्चाई सामने आ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पॉजिटिविज्म कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर किसी भी दोस्त को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पेपर फर्स्ट के सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिखाई दे जाएगा, तो उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरह से आपको नोट्स और सारी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर देखिए दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो वैज्ञानिक तरीका है उसे भी, और जो हमारा अंधविश्वास का जो तरीका है, जो हमारा एक्सपीरियंस वगैरह है, जो हमारी जो परंपराएं जो चलती आ रही थी, ठीक है, उन दोनों को शामिल किया जाता है इसके अंदर। अब देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वे मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये ना ही तो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है और ना ही सामाजिक तरीके से सोचता है, ये क्या करता है, ये किसी भी मामले को गहराई से जानने की कोशिश करता है कि इसके अंदर रियलिटी क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है, और ताकि यह तय किया जा सके कि घटना के पीछे कारण क्या है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए शुरू के अंदर क्या था कि एक ये व्यक्ति था और इसकी जो पैर है वो ख़राब हो गए, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप चल फिर नहीं सकते, इसका जो मोरल है वो बहुत डाउन कर दिया, और ये सोचने लग गया कि यार मैं तो अब चल नहीं सकता और अब तो कभी नहीं उठ पाऊँगा। तो ये क्या है कि धीरे धीरे और भी ज़्यादा ये बीमार होने लग गया, क्योंकि इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने साइंटिफिक रूप से देखा कि ये चल नहीं सकता, ठीक है। तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होने लग गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये एक बाबा थे, इस बाबा को एक चीज़ का पता था कि अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कुछ करने की हिम्मत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना मरे, जिंदा रहे, तो एक वो बिल्कुल बीमार आदमी भी ठीक हो सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बाबा ने क्या किया, इस आदमी को कहा कि तू ठीक हो सकता है, तू चल सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, और इसने क्या कहा कि तू रोज़ मंत्र पाठ करना, ये करना, वो करना। तो इसने क्या क्या किया कि इस व्यक्ति के अंदर विश्वास जगाने के लिए इसने कुछ थोड़ा सा अंधविश्वास इसके अंदर डाल दिया कि तेरे को डेली की डेली ये पूजा पाठ करना है और तेरे को ये माला जपनी है, तू एकदम ठीक हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को क्या हुआ कि इसे विश्वास होने लग गया कि हाँ मैं तो ठीक हो सकता हूँ अब, और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके अंदर विश्वास जगने लग गया, और इसने क्या किया, कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी और अंधविश्वास भी डाला। तो इस तरीके से करके ये जो व्यक्ति है ये एक दिन बिल्कुल सही चलने लग गया और एकदम बढ़िया ये व्यक्ति हो गया। अब देखिए अब कोई तीसरा व्यक्ति आया, अब उसने क्या देखा कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा की जो जड़ी बूटी दी हुई थी, बाबा ने जो मंत्र बताए थे उससे ये व्यक्ति ठीक हुआ है, या साइंटिफिक रूप से जो उन्होंने दवाई दी थी उनसे ठीक हुआ है, किससे ठीक हुआ है। अब देखिए बाबा ने तो दोनों चीज़ें दी थी ना, अंधविश्वास भी बताया था कि आपको माला जपनी है, मंत्र पढ़ने, प्लस में इसने मेडिसिन भी दी थी, यानी कि दोनों चीज़ें इन्होंने दी थी। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आया उसने पूरी छानबीन की, पूरी छानबीन की, तो उससे ये पता चला कि व्यक्ति के अंदर मेडिसिन होना तो ज़रूरी है ये साइंटिफिक रूप से, ठीक है, प्लस में
व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को हम ये कह दें कि नहीं तू तो कर नहीं सकता, तू तो कर नहीं सकता, या तू तो ठीक नहीं हो सकता, अगर एक व्यक्ति को दिन के अंदर 100 व्यक्ति आके ये बात कहे ना कि तू ठीक नहीं हो सकता, तो वो चाहे दोस्तों कितनी भी मेडिसिन ले ले, वो सही मायने में ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति ने आके ये पूरे मामले को समझा कि चीज़ क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं, उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद के साथ अपने अनुभवों को मिलाकर किसी घटना का परीक्षण किया जाता है। अब वही बात आ गई ना, इसके अंदर दोनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है, यह सभी सिद्धांत पुनः प्रायोजित है। अब इसका मतलब क्या है कि सभी अवलोकन अस्थिर है, यानी कि ये देखिए, जो हमने यहाँ पे साइंटिफिक रूप से इनको कहा गया कि आप चल नहीं सकते, तो ये जो अवलोकन है ना, ये अस्थिर है। कोई भी बात यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेट रूप से ये होगी, नहीं, उसके ऊपर हम दोबारा विचार कर सकते हैं, वो बातें चेंज भी हो सकती है। ठीक है, और पुनः प्रायोजित का मतलब भी वही है कि उसके ऊपर दोबारा विचार किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया था हमारा दिसंबर 2019 के अंदर, अभी जो अपना एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर, ये देखिए 4 दिसंबर को आया था, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है, यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है। अब आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसका, अभी हमने पढ़ा है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में भी मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप बताइए क्या होगा। वैसे तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर नंबर 3 यानी कि ज्ञान मीमांसा, यानी कि इसका क्या होगा, एपिस्टेमोलॉजी होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको पीछे बताया था कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर क्या है कि सामाजिक दुनिया का हम अध्ययन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए कहाँ है भैया, ये देखिए, इसमें ये ना दुनिया को जानने के तरीके से संबंधित है, यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होगी। और जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे कि आप देखिए, इसमें मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये देखिए इसके अंदर जैसे ओंटोलॉजी है, ओंटोलॉजी के अंदर हमने क्या बात की थी कि क्या है क्या नहीं है, जो हमारे सामने प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है उसी को हम सच मानते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर है एक्जियोलॉजी, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या था, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, इसके अंदर हम जो फीलिंग थी या फिर जो वैल्यू थी उनके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन बचता है वो हमारा ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी बचता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं, सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स दे रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और दोस्तों, उसमें सबसे खास बात यह है कि 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने उसमें दिए हुए हैं, और रिसर्च के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, इस तरीके से सभी क्वेश्चन हमने अलग कर रखे हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि रिसर्च के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर कौन से जो रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको पेपर सेकंड के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं जून 2019 तक के, विद आंसर की आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको क्या फ़ीस देनी होगी और क्या क्या आपको मिलेगा उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।